एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के नाम से एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसे देखकर वो खुद सदमे में है। ये वीडियो एक डीप फेक वीडियो है जिसमें एक लड़की बड़े ही बोल्ड अंदाज में दिखाई दे रही है। इस लड़की का चेहरा एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का ही है, लेकिन इसे देखकर आप धोखा मत खाइए क्योंकि ये एक फेक वीडियो से निकाली गई तस्वीर है। इसे इतनी सफाई से तैयार किया गया कि असली या नकली का पता लगा पाना ही बेहद मुश्किल है। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के फेस वाली ये तस्वीर देखते ही देखते वायरल हो गई है। बहुत से लोगों ने तो पहले पहल इसे सही मान लिया, इस पर कई तरह के कमेंट्स भी किए, लेकिन ये जैसे ही रश्मिका मंदाना की नजरों में आया वो खुद इसे देखकर गच्चा खा गई। इस पर हैरानी जताते हुए रश्मिका ने कहा कि ये बहुत चौंकाने वाला है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये स्पष्ट किया कि वीडियो और तस्वीर में दिखाई जा रही लड़की के चेहरे पर उनका फेस फेक ढंग से इम्पोज किया गया है। उन्होंने कहा कि AI टेक्नोलॉजी का इस गलत ढंग से इस्तेमाल करके किसी को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने इसकी शिकायत साइबर सेल से भी कर दी है। इस तरह की डीप फेक वीडियो को लेकर अमिताभ बच्चन की ओर से भी एक कड़ी प्रतिक्रिया आई है। अमिताभ बच्चन ने एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की फेक वीडियो को लेकर कहा कि इसे गंभीर माना जाना चाहिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। उन्होंने इस दिशा में सरकार से भी ध्यान देने की अपील की है। वहीं अब डीप फेक टाइप की वीडियोस पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून और दिशा निर्देश जारी किए जाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है, क्योंकि इस तरह की वीडियोस का इस्तेमाल किसी को भी बदनाम करने या उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने के मकसद से भी किया जा सकता है। डीप फेक दरअसल AI टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। किसी ओरिजिनल वीडियो में दिख रहे किसी शख्स के चेहरे पर किसी दूसरे शख्स के चेहरे को फिट कर देने को ही डीप फेक कहा जाता है। ये इतना शार्प और सफाई भरा होता है कि कोई भी जल्दी ये पता नहीं लगा सकता कि ये रियल है या फेक है। इस टेक्नोलॉजी से अनजान लोग इसे सही मान लेते हैं। डीप फेक के जरिए वीडियो का फोटो भी तैयार किया जा सकता है। इसके लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाती है। इसके लिए कई अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। इसी तरह के किसी सॉफ्टवेयर की मदद से एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की भी वीडियो तैयार की गई है। भारत में अभी AI के मिसयूज के रोकथाम संबंधी कोई नया कानून नहीं बनाया गया है। हालांकि टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ उसके संभावित गलत इस्तेमाल को देखते हुए नए कानून की भी जरूरत महसूस की जाने लगी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 1 इंडिया के साथ।